हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आज एग्जांपल नंबर 4.11 यानी 4.11। तो दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आप अच्छे से समझिएगा प्रॉब्लम। तो क्या है देख लेते हैं। रिजिड बार ए बी इज हिंज्ड एट अ ए पॉइंट, जो कि ए दे रखी है यहाँ पे, एक रिजिड बार है ए पॉइंट पे हिंज्ड है, एंड सपोर्टेड बाई द कॉपर रॉड 2 मीटर लॉन्ग एंड स्टील रॉड 1 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि दो रॉड दे रखी है, 2 मीटर लॉन्ग और 1 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे दे रखा है 1 मीटर और 2 मीटर लॉन्ग। उसने बोला कि द बार कैरीज अ लोड ऑफ द 20 किलो न्यूटन एट ए डी एज शो इन फिगर। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक बार है जो कि जो लोड है वो डी पॉइंट पे आपका कैरी कर रहा है। तो इसने बोला कि इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्टील बार एंड कॉपर रॉड आर 200 mm² एंड 400 mm², यानी कि दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे दिया मुझे। फाइंड दी स्ट्रेसेस डेवलप इन ईच रॉड, यानी कि दोनों स्ट्रेसेस के अंदर मुझे दोनों रॉड रॉड के अंदर स्ट्रेसेस निकालनी है। टेक द वैल्यू ऑफ ई फॉर द स्टील एंड कॉपर 200 GPa एंड 100 GPa रेस्पेक्टिवली। तो जब इस प्रॉब्लम पे मैं आता हूँ तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे दिखाई देती है वो मुझे दिखाई देती है कि यहाँ पे जो रॉड है इस लोड की वजह से नीचे की तरफ पुल डाउन होगी, तो यहाँ पे मेरी दो रिएक्शंस आएंगी लोड्स की। तो वो कितनी रिएक्शन आएगी, एक पी सी आएगी और एक यहाँ पे कितनी आएगी, पी एस आएगी। तो मैं यहाँ पे ए पॉइंट पे मूवमेंट ले लेता हूँ। तो मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर देखूंगा इसकी वजह से मेरा क्लॉकवाइज होगा, इन दोनों की वजह से मेरा एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो कितना आ जाएगा कि मैं बोलूँगा तो 20 × जो लेंथ दे रखी है यहाँ से यहाँ तक 4 दे रखी है, इक्विवेलेंट कर देता हूँ। पी सी के लिए यहाँ पे लेंथ दे रखी है 2 + 1 = 3 हो जाएगी, और इसके लिए पी एस के लिए कितनी हो जाएगी, पी एस यानी कि सिंगल है। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि पी एस प्लस के 3 PC इज इक्वल 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे आप मैच करेंगे इस चीज़ को। तो मैंने अभी जो मूवमेंट निकाला, मूवमेंट मैंने देख लिया, यहाँ पे इक्वेशन आ गई, PS + K 3 PC 80 हो गया। डिफॉर्मेशन की बात करूँगा स्टील के अंदर, क्योंकि जो स्टील की रॉड लगी हुई है वो 1 मीटर की दे रखी है, लोड ऊपर की तरफ लगा हुआ है उसके अंदर, तो लोड मुझे पता नहीं है। तो पी एस लगा दिया, लेंथ उसकी 1 मीटर, तो 1000 मीटर लगा दिया। एरिया उसका 200 mm² दे रखा है वो लगा दिया। ई की वैल्यू 200 GPa है, तो मैंने उसको मेगा पास्कल में लगा दिया, तो 200 × 10³ हो गया। उसको सॉल्व कर लिया तो यहाँ से वैल्यू मेरी पी एस की टर्म्स में आई, जो कि चेंज इन लेंथ है। सेम टाइम पे मैं अगर बात करूँगा जो कॉपर के लिए दे रखा है, सेम फॉर्मूला लगाया क्योंकि मुझे पी सी पता नहीं है, तो पी सी को मैंने ऐसे रख लिया। लेंथ अब आपकी 2 मीटर हो गई है, उसकी एरिया आपका 400 mm² हो गया। तो उसको सॉल्व किया तो यहाँ से वैल्यू निकल के आई मेरी 0.05 × 10⁻³ PC। क्योंकि अब आप नोटिस करेंगे कि इस तरीके से कुछ आपका डायग्राम बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर लोड लगाऊंगा तो यहाँ पर डिफॉर्मेशन लाइक कुछ इस तरीके से आएगा कि यहाँ पे इस चीज़ का डिफॉर्मेशन इस जगह पे होगा, इस चीज़ का डिफॉर्मेशन यहाँ पे इस तरीके से होगा। लेंथ यहाँ पे 1 दे रखी है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी आपकी 3। तो अगर मैं सिमिलर ट्रायंगल की बात करूँ तो चेंज इन लेंथ जो कि यहाँ पे स्टील है और चेंज इन लेंथ यहाँ पे जो कॉपर है, उस केस में क्या आएगा कि आप अगर नोटिस करेंगे कि जो कॉपर के केस की बात करूँगा कि वो जो आपका बेस तरीके से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसने मिस्टेक कर दिया है, तो वो अपन को दिखाई दे रहा है कि चेंज इन लेंथ अगर मैं बात करूँगा तो 1 के रेस्पेक्ट में आ रही है। चेंज इन लेंथ कॉपर की बात करूँगा तो वो 3 के रेस्पेक्ट में आ रही है। तो फिर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो डेल एल सी इज इक्वल 3 डेल एस आएगा। यहाँ पर ये मिस्टेक है, समझ गए ना, ये जो मैंने किया है वो सही है। तो जब मुझे पता पड़ गया डिफॉर्मेशन ऐसा है, तो मैं इसमें इक्वेट करूंगा वैल्यू 0.05 × 10⁻³ PC इज इक्वल 3 × 0.025 × 10⁻³। तो यहाँ से एक रिलेशन निकला पी सी और पी एस का, कि पी सी इज इक्वल 1.5 टाइम्स ऑफ दी पी एस। अब कुछ नहीं, अब तो सिंपल है, जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी जो मैंने निकाली थी उसके अंदर मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो पी एस की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई 14.5 × 10³, यानी कि मैं बोलूंगा 14.5 किलो न्यूटन्स। पी एस की वैल्यू मेरी 1.5 टाइम्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे 21.75 × 10³ यानी 21.75 किलो न्यूटन हो गया। स्ट्रेसेस निकालने, क्योंकि मेरे को सबके एरिया दे रखे हैं, तो मैंने दोबारा से एरिया का डिवाइड दे दिया वैल्यूज़ के अंदर। तो यहाँ पे मुझे पता पड़ गया कि स्ट्रेसेस जो मेरी निकल के आ रही है स्टील के लिए, वो निकल के आ रही है 72.5 MPa, और कॉपर के लिए कितनी निकल के आ रही है 54.4 न्यूटन पर mm². तो दिस अ बेसिक प्रॉब्लम, बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप इसको इजीली समझ सकते हो। तो वेरी नाइस प्रॉब्लम। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो